सवाल बात ये प्रधानमंत्री का नहीं है, यहाँ सवाल है कि मोदी को हटाने के लिए दिया जो बिहार शरीफ और सासाराम में जो बीजेपी और भाजपा वाले ने जो कराया, लोग समझ गए इस चीज़ को। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टिकरण, वो क्या तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। आज समाजवादी पार्टी के लोग रावरी आवास पर आकर के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहां सारे लोग बिहार में अमन चैन हो, दंगाई पार्टी को खदेड़ना है, इसके लिए सबको एकत्र हो गए हैं। हम लोग ये दुआ कर रहे हैं कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और देश से मोदी को हटाया जाए, लक्ष्य यही है बस। आप लोग उत्तर प्रदेश से आए क्या? जी नहीं, बिहार से हम लोग यूथ के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। अच्छा अच्छा, सर क्या लगता है इसे क्या संदेश जाएगा पूरे भारत में, बिहार में? देखिए, बिहार जो है क्रांतिकारियों की धरती रही है और बिहार के लोगों ने यह संदेश दिया जो बिहार शरीफ और सासाराम में जो बीजेपी और भाजपा वाले ने जो कराया, लोग समझ गए इस चीज़ को। इसलिए अब लोग एक लक्ष्य है, एक ही, मोदी हटाइए। मोदी जब तक हटेंगे नहीं तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, नहीं बेहतर लोगों को भोजन नसीब नहीं होने वाला है। समय ऐसा आएगा ना कि नमक और रोटी भी लोगों को नहीं मिलेगा। अभी देखिए कितना बेरोजगारी है, जाके घूमिए क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ ध्यान भटका रहा है दंगा करा करके, हिंदू मुसलमान करके। इससे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टिकरण, वो क्या तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं क्या? आप जय श्री राम बोल रहे हैं, वो क्या तुष्टिकरण की नीति नहीं है? यहाँ जय श्री राम नहीं होता है, जय सियाराम होता है। आप तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, यहाँ तुष्टिकरण की बात नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। युवाओं को रोजगार दीजिए, आप बेरोजगार को हटाइए, महंगाई को रोकिए, ये सब पर ध्यान दीजिए ना। कहाँ देश जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान की महिला देखिए जेल में खट रही है, क्या स्थिति है भाई? नकाब कुछ और, दिखाइए कुछ और देश। बिहार में अभी रफ्तार की नहीं, रफ्तार की जरूरत है, बिहार को विकास की आवश्यकता है। देखिए तो तेजस्वी जी एनर्जेटिक लोग हैं, अच्छे राजनेता हैं, और जिस तरह से जनता ने बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी चाहेगी कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो, और इसके लिए हम लोग समर्थन के साथ साथ पूरे एकत्र होकर के पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कहाँ से आए आप लोग? मैं बिहार प्रदेश समाजवादी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं, और हम लोग जो अभी आए हुए हैं इस इफ्तार पार्टी में, इफ्तार में कि एक समझिए कि एक रफ्तार पकड़ने का एक मौसम चल चुका है आज से और चलेगा। आने वाली आगामी लोकसभा 2024 की चुनाव में ये पूरा देश का माहौल बदलेगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पर भगवा की राजनीति, धर्म की राजनीति और देश को बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं आपस में, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, सबको लुप्त रह रहा है। हालांकि समझिए कि एक तरह से कुछ लोग भी दबे हुए हैं जो बोलकर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। खुलकर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आपके पीछे ईडी लगा देगा, प्रशासन लगा देगा, क्या कर सकते हैं? इसलिए देश में पूरी तरह से सब लोग एक साथ मिल करके, और आने वाला समय में 2024 में लोकसभा में देश बदलेगा और नया प्रधानमंत्री चुनाएगा महागठबंधन से। चल एक लास्ट क्वेश्चन है, पप्पू यादव जी भी शामिल हुए हैं आज के अवतार पार्टी में, क्या संदेश जाएगा? क्या पप्पू यादव जी एक नया समीकरण बनाएंगे आप लोग? देखिए पप्पू यादव के लिए, देखिए पप्पू यादव जितना ग्रास रूट लेवल पर मेहनत करते हैं उतना नेता आज के डेट में बिहार में बहुत कम लोग हैं। देखिए ये दलगत राजनीति से अलग हटकर अगर हम लोग बात करें तो पप्पू यादव एक ऐसे बिहार के नेता हैं जो गरीबों के लिए अच्छे काम करते हैं, वो हर के सुख दुख में जाना उनकी एक काबिलियत है, और मैं इन काबिलियत को सलाम करता हूँ। ये समाजवादी पार्टी की शुभकामना है, उनका राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हो, यही शुभकामना है। सर क्या लगता है किस ओर राजनीति जाएगी अब बिहार की? मोदी, देखिए बिहार की राजनीति है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो और देश से मोदी को हटाए, यही राजनीति है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी का भी यही संदेश है कि बिहार के अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे, और इसके लिए समाजवादी पार्टी जोर शोर से प्रचार अभियान चला। क्या समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने? सवाल बात ये प्रधानमंत्री का नहीं है, यहाँ सवाल है कि मोदी को हटाने के लिए सबको कुर्बानी की जरूरत है। कभी जरूरत हो तो नीतीश जी को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, और फिर समाजवादी पार्टी भी समय समय पर कुर्बानियाँ दी है, तो इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन, इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।